हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क टू पैरामीटर्स की। फ्रेंड्स, इन पैरामीटर्स की मदद से आप आइल्स राइटिंग टास्क टू को बेटर प्रिपेयर कर पाओगे और अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन पैरामीटर्स को इग्नोर करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। अगर इन पैरामीटर्स को समझकर आप अपनी राइटिंग को प्रिपेयर करते हो तो गारंटी है कि आपका स्कोर अच्छा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमने आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर से लिए हैं। इनको आसान बनाकर हम आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे ताकि आप इनको समझकर अपनी राइटिंग को बेटर प्रिपेयर कर पाओ और आइल्स राइटिंग टास्क टू में अच्छा बैंड स्कोर ऑब्टेन कर पाओ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आप अच्छे से जानते हो, द कैंडिडेट हैज़ टू राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स, द टाइम अलॉटेड इज 40 मिनट्स। दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको 40 मिनट्स में लिखोगे, 50 मिनट्स में लिखोगे, क्योंकि आपको एक टास्क और लिखना पड़ता है। लेकिन आप 40 मिनट्स में बड़े आराम से इसको लिख पाओगे एंड यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझना है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 300 से ज़्यादा वर्ड्स लिख देते हैं, जिससे उनका ऐसे बिगड़ जाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट एन इम्प्रेसिव ऐसे, देन आपको 290 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। 250 वर्ड्स में आप 30-40 वर्ड्स ऐड कर दो, इससे ज़्यादा ना करें। कोशिश करें जो आपका ऐसे है अंडर 300 वर्ड्स रहे। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपका जो ऐसे है वो इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव होता है। दूसरा, 250 वर्ड से आप एक भी वर्ड कम नहीं लिख सकते। अगर आप 250 से वर्ड कम लिखते हो तो आपके मार्क ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 250 से एक भी वर्ड कम नहीं लिखना है। वैसे तो कोई लिमिट नहीं दिया कि आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, फिर भी 290 वर्ड्स में आप अपना ऐसे लिखिए तो ये बहुत अच्छा होगा, इम्प्रेसिव होगा, और इसकी मदद से आप अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर कर पाओगे। अब चलते हैं दोस्तों अदर रिक्वायरमेंट्स पर। यहाँ पे दोस्तों हम चार मेजर रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे जो एग्जामिनर आपके ऐसे में देखता है। टास्क रिस्पॉन्स, राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट एफिशिएंटली। जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, जो कुछ भी उसमें आपसे पूछा गया, उसके हर पार्ट को आपको डिस्कस करना है। किसी भी आइडिया और इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मार्क पक्का डिक्रीज होंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपके ऐसे की ओपनिंग होनी चाहिए और उसके हर एक एस्पेक्ट्स को आप डिस्कस करोगे, उसके बाद उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब, आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए। आप बॉडी पैराग्राफ्स 2 या 3 लिख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। कोशिश कीजिए एक से ज़्यादा लिखें, क्योंकि आपका ऐसे इम्प्रेसिव होगा। उसके बाद आपके ऐसे का एक कंक्लूजन होना चाहिए। कहने का मतलब, एक स्टार्टिंग, फिर आपने 2 या 3 बॉडी पैराग्राफ्स में उसका डिस्कशन किया और फिर आपने अपने ऐसे को कंक्लूड कर दिया। दिस यू हैव टू डू, दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर इनमें से किसी भी पार्ट को आप मिस करते हो तो आपका जो ऐसे है इम्बैलेंस हो जाएगा, इससे आपके स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ेगा। मेजर पॉइंट नंबर 2, कोहिजन एंड कोहेरेंस। राइट योर टास्क सिस्टमैटिकली दैट इन्फॉर्मेशन इज पुट इन ऑर्डर। आप जो भी लिखो उसको सिस्टमैटिकली आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखनी है, थीसिस लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और बॉडी पैराग्राफ 3 अगर आप लिखते हो तो उसमें हर एक चीज़ को अलग अलग आप डिस्कस कीजिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। और दूसरा, साफ लिखिए ताकि एग्जामिनर आपकी राइटिंग को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। अगर एग्जामिनर आपकी राइटिंग को ठीक से पढ़ नहीं पाता, देन योर स्कोर इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। सो व्हाट यू हैव टू डू, पैराफ्रेज कीजिए, हर एक चीज़ को अलग अलग डिस्कस कीजिए, इंट्रोडक्शन का अलग पैराग्राफ बनाइए, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3 अगर आप बनाना चाहते हैं ऐसे, और फिर कंक्लूजन। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप मिक्स मत कीजिए। एक फॉर एग्जांपल, अगर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिखना है तो पहले आप एडवांटेज की बात कर सकते हैं एक पैराग्राफ में, फिर आप डिसएडवांटेज की बात कर सकते हैं। अगर आपके ओपिनियन पूछे गए हैं तो एक पैराग्राफ में आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, राइट, और उसके बाद उसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से लिखिए ताकि एग्जामिनर हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाए और आपकी राइटिंग साफ हो, राइट। मेजर पॉइंट नंबर 3, दोस्तों इस पार्ट के बिना आइल्स राइटिंग में अच्छा स्कोर करना इम्पॉसिबल है। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं इस पार्ट की ओर वो ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, बहुत से सेंटेंसेज को मेमोराइज करते हैं, उन्हीं को लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज वाइड रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। दूसरा, अवॉइड राइटिंग सिमिलर सेंटेंसेज।
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आपको लिखने हैं। जो आपका ऐसे है उसमें 80% जो सेंटेंसेज हो वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हो। हाँ, आप सिंपल सेंटेंसेज को भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप सिंपल सेंटेंसेज को अवॉइड करोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव वहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक सजेशन है दोस्तों, 80% जो सेंटेंसेज आपके हों वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेज होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत अच्छे से ऐसे लिख पाओगे। कई बार क्या होता है कि हम सिंपल सेंटेंसेज ज़्यादा लिखते हैं जिसकी वजह से हमारा ऐसे लेंथी होता है। अगर हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज लिखते हैं तो हम अंडर 300 वर्ड्स अपने ऐसे को कंपाइल कर पाएंगे, राइट। उसके बाद अनदर मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द सेम, कनेक्टर्स यूज कीजिए। कनेक्टर्स का यूज आप ग्रामेटिकली ठीक कीजिए। अगर आप कनेक्टर्स को ग्रामेटिकली ठीक यूज नहीं कर पाते तो पक्का आपका स्कोर नेगेटिव होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करो तो अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको कनेक्टर्स को सही से समझाए और सही से उनका यूज करना सिखाए, ताकि आप अपने ऐसे में ग्रामेटिकली कनेक्टर्स को यूज कर पाओ, कंजक्शंस को यूज कर, से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। अब चलते हैं दोस्तों मेजर पॉइंट नंबर 4 पर। अगला सबसे मेजर पॉइंट है वोकैबुलरी, इसको आप लेक्सिकल रिसोर्सेज भी कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा, मैंने कनेक्टर्स को भी सही तरीके से यूज किया, लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। इसके दो सबसे बड़े कारण हैं, पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी। अगर आप टॉपिक के हिसाब से वोकैबुलरी को यूज नहीं करते हो तो आपका स्कोर पक्का डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए टॉपिकल वोकैबुलरी, मान लो आप इन्वायरमेंट के टॉपिक पर लिख रहे हो तो यहाँ पे उससे सिमिलर टॉपिकल वर्ड्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल हैबिटेट्स, मिटिगेट, कंटेमिनेट, डिस्चार्ज, ऑयल, सॉइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन। तो करना क्या है आपको, जिस किसी टॉपिक पर आप लिखो तो वहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग वोकैबुलरी आप यूज कीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि किसी टॉपिक को आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग वर्ब का यूज करना है। नॉर्मल वर्ड्स को यूज मत कीजिए जो कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे जब भी सम पीपल से दैट तो यहाँ पे सम पीपल क्लेम दैट ऐसा लिख सकते हो, दे टेल दैट इसकी जगह दे नरेट दैट, द डाटा शोज दैट इसकी जगह आप द डाटा इंडिकेट्स दैट। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब का यूज कीजिए, इससे आपका जो ऐसे है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ये 4 पॉइंट्स है दोस्तों, इन 4 पॉइंट्स पर फोकस कीजिए, इस स्टाइल में लिखने की कोशिश कीजिए, पक्का आप अच्छा बैंड स्कोर राइटिंग में एक्वायर कर पाओगे, राइट। तो दोस्तों ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से आप इफेक्टिव ऐसे लिख पाओगे। एक बार और इस वीडियो को देखिए और इन 4 मेजर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी ऐसे राइटिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और प्लान कर पाओ। अगर आप इन पैरामीटर्स के बगैर ऐसे लिखने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि आप इफेक्टिव ऐसे ना लिख पाओ, क्योंकि ये एग्जामिनर के पैरामीटर्स हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स को अवॉइड करते हो तो पक्का आपका स्कोर डिक्रीज होगा। सो माई सजेशन इज दिस दैट वॉच दिस वीडियो अगेन, ट्राई टू इनकलकेट ऑल द पैरामीटर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन plan your preparation. I guarantee you, you'll be able to write an effective essay and these 4 parameters are going to make IELTS writing easy for you. जरूर कीजिए। In the end, I would like to say, अगर आपका कोई suggestion है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको IELTS राइटिंग में कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।